को पकड़ के चलते चले जा रहे, इन्हें रोकना काफी ज्यादा डिफिकल्ट साबित हो रहा है ईएक्सटी नूब्स के लिए, बट कुछ ना कुछ तो प्लान यहाँ पे करना पड़ेगा ना। इस रफ्तार से अगर एक स्वाक चलते रहे, 20 का आंकड़ा अगर क्रॉस कर लिया गया अगर सबसे पहले, तो फिर रोकना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, जो कि अभी तक के इतिहास के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि जो भी टीम सबसे पहले 20 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे वही स्टेडियम को जीतते हुए हमें देखने को मिले। नहीं, कमबैक आर रियल, आई टोटली एग्री टू दिस कि हाँ चलिए कमबैक आता बहुत बढ़िया आता है, लेकिन जब आप 20 का आंकड़ा पार कर देते जैसे आपने बोला तो फिर दिक्कतें थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी जिस स्पीड से यहाँ पे टीम एक्सपाक आगे बढ़ रही है, आई थिंक 20 का आंकड़ा वही होंगी जो सबसे पहले पार करेंगी, क्योंकि आप देखिए सिर्फ बिना रुके यहाँ पे उनकी तरफ से पॉइंट्स आते जा रहे हैं, बिना रुके यहाँ पे उनकी तरफ से वो फिनिशर निकलते जा रहे हैं। और लीजिए एक और, दो अलग अलग एंगल से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अप्रोच मुझे काफी अच्छी लग रही है कि डिफरेंट एंगल से अप्रोच कीजिए और मौका ही मत दीजिए यहाँ पे फिनिश करने का, लेकिन ये एक काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पे पिकअप निकाला गया था हंटर की तरफ से। देखिए मुझे तो लगा कि वो जा रहे बड़े आराम से फिनिश कर देंगे, बट यहाँ पे सरप्राइज मैं खुद हो गया कि एग्जैक्टली हुआ क्या, डॉट एचपी होने के बाद भी सीधा हेडशॉट देते अपने अपोनेंट को और एक अंक वहाँ पे निकाल लेते हैं अपनी टीम के लिए, खुद के लिए। अभी 13 की बात करें, स्कोर है लगभग दुगने लीड के साथ, अब आगे बढ़ते हुए हमें देखने को 14-7, जस्ट हाफ हम बोलेंगे उस नंबर का, 14 का हाफ हो जा रहा है यहाँ पे, बट स्टिल आप देखिए अभी भी जो स्लो गेम है कुछ स्टाइल बदल नहीं रहे, अगर आप देखिए वही चीज़ों को दोहरा रहे, आगे जा रहे पॉइंट दे बैठ रहे हैं, फिर से कोई आगे आ रहे पॉइंट दे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ अलग गेम स्टाइल के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से आप प्लान अगर बना के रखें दिक्कत हो सकता है। ये कुछ बेहतर मेरे को देखने को मिला अभी पूरे मैच में, सबसे बेहतर कोऑर्डिनेशन मुझे ये लगा जहाँ पे थोड़ा सा रुक रहे हैं और साथ में अटैक कर रहे हैं एक खिलाड़ी के ऊपर, दोनों खिलाड़ी की तरफ नहीं जा रहे, एक एक करके बात की जाए तो यहाँ पे अपने जाल में फंसा रहे अपोनेंट को। और पॉइंट्स का देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे रिकवरी हुई है टीम ईएक्सटी नूब्स की तरफ से। अभी अगर बात करेंगे अब यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़े तरीके से यहाँ पे फुल स्पीड में आगे एलेक्स भी आपको पढ़ता दिखने वाला है, और कनेक्शन ढूंढना चाहेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे डैमेज दिया, एक और प्लेयर को यहाँ पे मुझे लगता है डाउन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एचपी यहाँ पे आपने दोनों प्लेस के डाउन किया तो आप यहाँ पे आराम से फिनिश कर सकते हैं, बट ड्रॉप शॉट कोशिश लेकिन सीक्रेट है वो नहीं मौका देंगे फिनिश का भी दिखा देंगे, अगेन कमिंग अप विद अ ड्रॉप शॉट प्लस पीछे से कंबाइंड एफर्ट से के भी आएंगे, तो पीछे वो लीड 6 पॉइंट्स की अभी भी आपको इनके हाथ में ही दिखने वाली है। ज्यादा समय लगाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी इस गेम को खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी स्थान आगे खुद को आगे प्रस्थान करना चाहते हैं, अपना स्थान आगे के लिए ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए सीक्रेट जो वैल्यू यहाँ पे दोनों प्लेयर्स साथ में मिलकर प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज जस्ट क्रेजी। 20 निश्चित हो चुके हैं और 12 सीक्रेट के नाम पे, तो बिल्कुल सीक्रेट के पास काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, अभी हम देख पा रहे हैं 12 अकेले के रखे, 8 उनके बाकी टीममेट के पास है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट था, ये मुझे लगा कि अगर बच भी जाते तो बैक एंड साइड से वो कवर फायर आ सकता था, सीक्रेट की कोशिश अच्छी थी बट वो ज्यादा देर तक अपने आप को सीक्रेट नहीं रख पाए उस पॉइंट पर, उसके कारण ये खुलासा हो गया कि यहाँ पे एलिमिनेट होना पड़ेगा इन्हें, बट चलिए ट्राई अभी यहाँ पे बनता है। 6 पॉइंट का डिफरेंस अभी भी हम देख रहे हैं, वो रिकवर हुआ था बीच में, 4 के बात करें तो 4 पॉइंट का डिफरेंस था, 2-3 हुए, बट उसके बाद जो रिकवर वापस से यहाँ पे एक्स पाक के खिलाड़ियों ने किया है, कोई मौका नहीं है एक्सटी नूब्स के पास। चलिए यहाँ पे अंक की बात की जाए, सीक्रेट हर कुछ मिनटों में अपनी टीम को अच्छे पॉइंट्स की बात की जाए, इजाफा चाहिए वो यहाँ पे देते चले जा रहे हैं, काफी अच्छे यहाँ पे मूवमेंट क्रॉस ईयर को देखिए काफी अच्छा एडजस्ट करके चल रहे, ज्यादा नीचे भी नहीं जाने दे रहे, ज्यादा ऊपर भी नहीं, बट ये क्या कर बैठ रहे, मुझे लगता है इनके एमो खत्म हो चुकी है या फिर ये फीस करना चाह रहे थे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, 22 एमओ है, रिलोड नहीं कर रहे, अगर आप नोटिस करें तो इसका मतलब साफ था कि शायद वहाँ पे एमओ की कमी हो गई थी जिसके कारण वहाँ पे एलिमिनेट होते हमें देखने को मिले। एक पॉइंट अपने अपोनेंट को दे बैठे, सेम बात करें हंटर की कोशिश भी यही कुछ होने वाली है, दोनों एक साथ आएंगे, लेकिन हंटर के पास इस बार कंट्रोल काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिला, जंप किए सीधा जो क्रॉस था वो बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट करके एक अपनी टीम के लिए, बट पॉइंट इज 25 का स्कोर अब क्रॉस करते हुए हमें देखने को कुछ ही समय मिल जाएंगे एक स्पार्क के खिलाड़ी। जी हाँ, बात करेंगे इसी के साथ हम यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है कि लीड वो काफी बढ़िया तरीके से इनके पास ऑलरेडी आपको बनती दिख भी रही है, और अभी के लिए नजर सिर्फ यही रहने वाली है कि क्या यहाँ से करवट बदल सकते हैं, ईएक्सटी नूब्स क्या वो यहाँ पे गेम पलट पाएंगे, क्या वो यहाँ पे अपना प्रो गेम पे दिखा पाएंगे, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पे वो लीड लगातार टीम एक्सपाक के नाम पे आपको देखने वाली है। 27 फिनिश हो चुके, 28 आ चुका और सीक्रेट 17 फिनिश, मतलब आप देखिए 18 टोटल आपको यहाँ पे दिखेंगे ईएक्सटी के पास और 17 अकेले सीक्रेट के पास, ये नंबर्स कुछ अलग ही यहाँ पे बिल्कुल मैच नहीं हो रहे हैं ये नंबर्स इस तरीके से हम अभी तक देख रहे हैं। एल्स बात करें M4 का काफी अच्छा है, हम स्प्रे हल्का सा पीक करके स्प्रे कर रहे थे बट डाउन है, चलिए ट्रेड में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बहुत तेज है हंटर के एंड से, ज्यादा वहाँ पे गलतियां नहीं की जा रही है। अंक की बात करें तो अभी भी वो जो डिफरेंस है 8 अंक हमें देखने को मिल जा रहा है, कम हो तो जरूर रहा है बट मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ अब फायदा हो सकता है, बस जरूरत है कि
एक अच्छे लय के साथ जाना पड़ेगा, अटैक एक साथ करना पड़ेगा। और सामने से आप देखिए एक स्प्रे पे लाइन अप स्प्रे पे आ जाते हैं दोनों खिलाड़ी, और एक सी नूब यहाँ पे थोड़ी सी नहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लाइन अप स्प्रे पे। अगर आप आएंगे तो बड़े ही आराम से आपको ये खिलाड़ी बाहर करते हुए देखने को मिल जाएगा। जमकर की बात करें तो 22 की जरूरत का कम करते हैं दोनों खिलाड़ी एक साथ है। फिर से देखिए लाइन अप स्प्रे पे आ रहे हैं, ये डिफिकल्ट कभी कई बार आपके लिए भी हो सकता है। अगर जो हेड की बात करें, हेड चेस करने की बात करें, अगर आपके अपोनेंट काफी अच्छे तरीके से हेड चेस किए तो आपके लिए वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अभी अगर हम बात करेंगे यहां से तो आप देख सकते हैं कि कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मात्र और मात्र 7 पॉइंट्स का डिफरेंस। बड़े आराम से ये 7 पॉइंट्स मुझे लगता है यहाँ पे अब निकालते दिख सकती है टीम एक्सपा को, और फिर उसके बाद जीतती दिख सकती है क्योंकि उनको आगे मूव करना है, टू मूव टू फॉरवर्ड टू मूव अहेड, उनको यहाँ पे ये चीज जीतनी पड़ेगी। लेकिन सीक्रेट थोड़ा सा यहाँ पे फन करना चाहते हैं, क्रिस्टल के साथ के लिए कोशिश करने वाले हैं। सो देखते हैं दिखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या बिजल से फिनिश निकाल पाएंगे निकाल पाएंगे। अब तक हमने कई बार देखा है यहाँ पे प्लस कोई चीज करते हैं, सीक्रेट को भी देख लिया था, लेकिन अभी के लिए फाइनली वेट किया, मैं तो पिस्टल से मारूंगा, आगे पुश कर लीजिए। जैसे आगे बढ़े उनको यहाँ पे M4 से फिनिश कर दिया, तो काफी बड़े तरीके से बेवकूफ बनाया था यहाँ पे और वैल्यू निकाल लिया अभी के लिए 11 पॉइंट्स क्रेडिट, विच इज अ मैसिव वन। बिल्कुल, केवल 4 अंक दूर है अपने पहले विजेता बनने के लिए, और एक टीम को यहाँ से हम जरूर से बाहर होते हुए देखेंगे क्योंकि नॉकआउट सिस्टम है जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था। एक्सपार्क यहाँ से बड़े ही आराम से मुझे लगता है ये राउंड अपने साथ लेके जाने वाले, क्योंकि जो स्टार्टिंग में लीड बनाए थे और 20 का आंकड़ा क्रॉस किए थे सबसे पहले इन दोनों टीम में, अगर मैं बात कर लूँ तो केवल 2 अंक अब यहाँ से चाहिए, तो ये अब एक तरफा मुकाबला मेरे अनुसार, क्योंकि आप कितने भी ज्यादा अच्छे तरीके से क्यों ना जाए 1-2 पॉइंट तो अपने अपोनेंट को देंगे और कुछ इस प्रकार से एक्सपार्क लेके जाएंगे।